अरविंद केजरीवाल मेधा पाटकर को गुजरात के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में पेश करने की गुपचुप तैयारी कर रहे थे। इस बात की भनक लगते ही पार्टी में हंगामा खड़ा हो गया और बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ने की तैयारी कर ली। डैमेज कंट्रोल के लिए आनन फानन में केजरीवाल दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए और माना जा रहा है कि यहां वे नाराज नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मेधा पाटकर गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। पार्टी नेताओं में असंतोष फैल गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी द्वारा बनाए गए 19 उम्मीदवारों में से 13 ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि उन्हें मनाने के लिए केजरीवाल एक बैठक कर सकते हैं। गुजरात विरोधी नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर गुजरात में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। यह बात बेहद चौंकाने वाली है। वजह यह कि मेधा पाटकर की गुजरात विरोधी छवि रही है। उन्हीं की वजह से सरदार सरोवर बांध का काम दशकों तक लटका रहा और गुजरात के किसान सूखे की मार झेलने को विवश रहे। मेधा पाटकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है। अब तक यही माना जाता रहा कि आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख इसुदन गढ़वी पार्टी के पसंदीदा उम्मीदवार हैं। हालांकि इन खबरों को तब और हवा मिली जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मेधा पाटकर की तारीफ करने वाले एक वीडियो को रीट्वीट किया। बाद में इस वीडियो को इसुदन गढ़वी ने भी रीट्वीट किया। मेधा पाटकर को उनकी गुजरात विरोधी रुख के कारण सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है। गुजरात के कुछ हिस्सों में आज सिर्फ नर्मदा नदी का पानी आ रहा है क्योंकि मेधा पाटकर जैसे लोगों ने पर्यावरण के नाम पर बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के काम में अड़ंगा डालकर रुकवा दिया था। पाटकर की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निभाई गई भूमिका के कारण गुजरात के लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया है। मेधा पाटकर साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन साल 2015 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उसके बाद से पाटकर ने सक्रिय राजनीति में लौटने की घोषणा नहीं की है। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने अब तक मेधा पाटकर को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों का खंडन नहीं किया है। गुजरात विरोधी रुख रखने वाली मेधा पाटकर पर धन के दुरुपयोग करने के भी आरोप लगे हैं। इस साल जुलाई में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी जिसमें उन पर पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। इससे पहले 5 अप्रैल 2022 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान संदिग्ध धन शोधन के लिए अभियान की कार्यकर्ता रही मेधा पाटकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी के अलावा पाटकर के संदिग्ध लेन देन की जांच राजस्व खुफिया विभाग और आयकर विभाग भी कर रहा है। अगर संदिग्ध सौदों की बात करें तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति घोटाले में CBI जांच के दायरे में है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मनीष सिसोदिया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से गुजरात में पार्टी के उम्मीदवार नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।